ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि यू गेट वॉट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट। देखिए क्या होता है कि हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वो चीज बढ़ती जाती है। अगर आप नेगेटिव पर फोकस करोगे तो नेगेटिव बढ़ता जाएगा, अगर आप पॉजिटिव पर फोकस करोगे तो पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। हम अक्सर, हमारा ये एक टेंडेंसी होती है कि हम नेगेटिव पर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं कि नहीं हुआ तो क्या। हमने नहीं हुआ तो क्या इस पर फोकस करने के बजाय, अगर हम वो करने के लिए, वो अचीव करने के लिए, वो होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा या हम क्या कर सकते हैं, इस पर अगर हम फोकस करें तो क्या बेटर नहीं होगा, क्या बेहतर नहीं होगा, क्या अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसीलिए हमने फोकस जो है वो इस पर नहीं करना चाहिए कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, हमने इस पर करना चाहिए कि ये होने के लिए जो हमने सोचा है, जो हमने ठाना है, ये पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तब जाकर कोई भी ताकत हो वो आपको नहीं हरा सकती है, नहीं थका सकती है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए, जिस चीज पर आप फोकस करोगे वो चीज बढ़ती जाएगी। तो आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहां पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लिखना है और सभी पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इससे आपका फायदा होता है। तो इसलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इस कंट्री के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो इन्फॉर्मेशन लिखिए एंड देन वीडियो को रिज्यूम कीजिए। MM Academy ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। मतलब इसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, GS 1, 2, 3, 4 सभी देखने को मिलेंगे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में, काफ़ी डिटेल्ड वे में। मतलब बाकी और कोई भी सोर्स आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई NCERT रेफर करना है, कुछ भी रेफर नहीं करना है। एनिमेशंस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू आपको जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन की गई है, जिससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसको बनाया जा सके, और उसी के साथ साथ मैं भी आपको दिखता हूँ एक्सप्लेन करते वक्त, इससे मज़ा आ जाएगा आपको। देखते रहिए, MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में है। मतलब प्राइजेस देखकर काफ़ी लोगों को ये संकोच होता है कि क्या ये प्राइजेस एक सब्जेक्ट के लिए हैं? जी नहीं, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। एक बार अगर आप लोगे तो जितने भी कोर्सेस हैं सभी कोर्सेस आप एंजॉय कर सकते हो। इसलिए डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए आज 23 जून का जो एनालिसिस है वो देखते हैं। वीडियो आप यहाँ पर बंद कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बंद कर दो अभी के अभी, क्योंकि बहुत सारे जो एडिटोरियल है वो रिपीटेटिव है, और एडिटोरियल जो बाकी रिपीटेटिव नहीं है कुछ काम का नहीं है। मतलब आज द हिंदू बोलिए, इंडियन एक्सप्रेस बोलिए, एक भी एडिटोरियल जो है वो काम का नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ओवरव्यू ही हम देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो आप बंद कर दोगे तो भी चलेगा, नहीं तो अगर आपके पास 15-20 मिनट है कि 15-20 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। 15-20 मिनट में अगर आपको, अगर आपके पास है तो आप एक रिवीजन के तौर पर देख सकते हो, कुछ अगर एडिशनल पॉइंट आपको लगते हैं तो वो भी आप देख सकते हो। हम रिवीजन ही करने वाले हैं बेसिकली इसमें। तो 23 जून का जो एनालिसिस है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। आइए इंडियन एक्सप्रेस में देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले एक्सप्लेन सेक्शन आता है। अब भाई साहब, एक्सप्लेन सेक्शन में सबसे पहले तो यहाँ पर आ रहा है टू प्रिंट कैश और नॉट टू, है ना, टू डू और नॉट टू डू, इस तरीके का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, आप सभी को पता है कि GDP, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था रिवीजन वही चल रही है। इसमें हमने देखा था कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस क्या होता है नेट एक्सपोर्ट, है ना, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रॉब्लम किस में आ रही है, एक प्रॉब्लम की वजह से सारी जो पूरी संकली है ये यहाँ पर खराब हो रही है, वो है कंजम्पशन। मतलब लोग जो है वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे, खरीद नहीं पा रहे। क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, कि जानबूझकर हो रहा है, नहीं 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 मैंने नहीं खरीदना, ऐसा हो रहा है नहीं, क्योंकि कैश क्रंच हो रहा है, कैश क्रंच हो रहा है। कैश क्रंच क्यों हो रहा है, पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब जो है वो चली गई है, जॉब मिल नहीं रही है, प्लस उसी के साथ साथ जो सेविंग्स है वो भी खत्म होती जा रही है, लॉकडाउन की वजह से जो इनकम है वो नहीं हो रही है। तो मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से जो कंजम्पशन है लोग नहीं कर पा रहे हैं। कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो GST के रूप में, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसके रूप में गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो गवर्नमेंट खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी। तो गवर्नमेंट क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्च जो है वो भी नहीं कर पा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब यहाँ पर जब कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो कंपनीज को फायदा होगा क्या, नहीं होगा, कंपनीज के प्रोडक्ट बेचे जाएंगे क्या, नहीं बेचे जाएंगे, वो नहीं हो रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो भी वहाँ पर नहीं हो पा रहा है, है ना, और एक्सपोर्ट उसी वजह से एक्सपोर्ट भी नहीं हो, मतलब सभी जो पैरामीटर्स हैं वहाँ खराब चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम टेक्निकल रिसेशन जो है उसमें भी जा चुके हैं। अब कंजम्पशन को बढ़ाना है,
अब कंजम्पशन क्या अभी लॉकडाउन के बाद ही यहाँ पर खराब हो रहा है? जी नहीं, कंजम्पशन आप सभी को पता है कि कोरोना आने से पहले ही स्लो डाउन जो है वो देखने को मिल रहा था। तो अब यहाँ पर कंजम्पशन का जब प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको ये चीज़ पता रहना चाहिए कि कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाना, मतलब परचेसिंग पावर जो है लोगों की वो इंक्रीज करना। परचेसिंग पावर हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उनके हाथ में कैसे पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं? पहली तो चीज़ ये है कि हम जो जो ब्याज दर होते हैं, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, वो कम कर दे, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले एंड देन वो कर सके। लेकिन बैंक का जो बैलेंस शीट है वो भी ख़राब चल रही है, बैंक के एनपी इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए अगर रेपो रेट इतना भी कम कर दे आरबीआई, फिर भी बैंक जो अपने ब्याज दर कम नहीं कर पा रही है, वो एक समस्या चल रही है। और उसी के साथ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है, ठीक है, एक तो ब्याज दर कम हो जाएंगी, या फिर गवर्नमेंट डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डाले, है ना, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डाले। इसको हम क्या कहते हैं, ये वाले मेजर को हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दे, उसको हम कहेंगे मॉनिटरी मेजर, है ना, मॉनिटरी पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर डायरेक्टली, या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर सकती है जिससे कि लोगों के हाथों में पैसा बचेगा, है ना, तो ये सब कर सकती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो अब यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है, इसके जरिए ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के खाते में पैसे जमा करने चाहिए, लोगों के खातों में पैसे देना चाहिए। अब गवर्नमेंट को अगर पैसे खाते में डालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास 100 रुपये हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास कितने पैसे हैं, गवर्नमेंट के पास 100 रुपये हैं। अब गवर्नमेंट के पास अगर 100 रुपये हैं और गवर्नमेंट को अगर खाते में पैसा जमा कराना है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या लगेगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट को खाते में 100 रुपये हैं लेकिन 200 रुपये गवर्नमेंट को डालने हैं, ठीक है, सामने वाले खाते में, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, गवर्नमेंट के पास आमदनी अटनी खर्चा रुपया इस तरह की चीज़ हो रही है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी भाई साहब यहाँ पर उधार लेना पड़ेगा। अब जब गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ेगा, समझ रहे हो आप, गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग रास्ते हैं। एक तो यह है कि सीधा वो लोन में पैसा उठा सकते हैं, है ना, लोन में पैसा उठाएंगे अलग अलग जगहों से। अब देखिए, पूरे पूरे इंडिया में अगर 100 रुपये टोटल करेंसी चल रही है, ठीक है, टोटल करेंसी जो है 100 रुपये चल रही है, सर्कुलेट हो रही है। अब इसी में से सरकार जो है, क्योंकि इतने पैसे छप चुके हैं, है ना, इतने पैसे छप चुके हैं, अब गवर्नमेंट को अगर उधार लेना है, इसमें से समझ लो अंबानी ने 50 रुपये उधार लिए हुए हैं, इसमें से अडानी ने 20 रुपये उधार लिए हैं, मतलब कितने हो गए, 50, 60, 70, 30 रुपये बचे हैं 100 में से, तो गवर्नमेंट 30 ही रुपये से उधार ले सकती है, बराबर है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है कि सरकार को तो 200 रुपये जो है वो यहाँ पर देने हैं ना, लोगों को देने हैं, तो अब क्या होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है, गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है। अब जिन्होंने इकोनॉमी के लेक्चर्स मेरे एमएम एकेडमी पर देखे हैं उनको यह अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि प्रिंट करने के लिए क्या कंडीशंस होती है, क्या गवर्नमेंट अंधाधुंध पैसा प्रिंट कर सकती है, क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि गवर्नमेंट इतना ही पैसा प्रिंट कर सकती है, ये आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट करने को कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करना चाहिए और लोगों को यहाँ पर बांटने चाहिए। अब प्रिंट करने में प्रॉब्लम क्या होती है, फिर तो ये तो सबसे आसान रास्ता है कि जितनी भी गरीबी हम तो ऐसे ही मिटा सकते हैं कि लोगों को प्रिंट करो और पैसा बांटते रहो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, समझ लो कि अगर एक बियर की बॉटल है 200 रुपये की आती है, ठीक है, और इसको लेने के लिए समझ लो 10 लोग हैं और 10 ही बॉटल है, ठीक है, तो 200 रुपये इसके रहेंगे प्राइजेस, ठीक है, 10 लोगों के अकाउंट में 200-200 रुपये, बाकी लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं इसको। अब समझ लो कि गवर्नमेंट ने हर किसी के अकाउंट में 200-200 रुपये डाले, ठीक है, हर किसी के अकाउंट में 200-200 डाले, अब सभी अफोर्ड कर पाएंगे, सभी भागेंगे मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए। अब क्या होगा, जब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम ही है, सप्लाई 10 ही है, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेगा, 200 के 2000 कर देगा, 2000 रुपये की बॉटल भाई साहब जिसको लेना है लो। अब 2000 सिर्फ इन 10 ही लोगों के अकाउंट में, फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पर जो कंडीशन पहले थी वही कंडीशन आ गई, किसी 10 ही लोग अब अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो क्या होता है, जब हम बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे तो यहाँ पर जो प्राइजेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, समझ रहे हो, जैसे कि ग्रीस में हुआ था, लोग जो है ब्रेड का पैकेट लेने के लिए पूरे ये लेके जाते थे, भर के लेके जाते थे पैसे पूरे, लोग जो है जो अपना गैस जलाते हैं ना, गैस छोड़िए जो ठंड लगती है, तो ठंड में वो एक होता है ना मशान टाइप की, वहाँ पर जला रहे हैं, तो नोटे जो होती है पैसों की नोट, वो वहाँ पर उसमें ये करते थे आग में, कि लकड़े जो है, लकड़े लेने जाएंगे तो ज़्यादा महंगे हैं ये नोट के मुकाबले, तो नोट यहाँ पर हम डाल देते, इतनी वैल्यू फिसल गई थी, इतनी वैल्यू घसर गई थी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा प्रिंट हम नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि अभी देखें ना, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए अगर हर किसी के अकाउंट में पैसे डाल देंगे तो हर कोई आईफोन खरीदने लग जाएगा, हर कोई मोबाइल फोन, प्राइजेस इंक्रीज हो जाएगी भाई साहब, सप्लाई उतना ही है, समझ रहे हो? तो ये यहाँ पर रिस्क होती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिस्क विस्क छोड़ो, यहाँ पर पैसा जो है प्रिंट करो एंड लोगों के अकाउंट में डालते रहो, यही चीज़ यहाँ पर बोली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, एंड लोगों के खातों में पैसा नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। तो प्रिंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, समस्या यहाँ पर आती है। तो आपकी क्या राय है, प्रिंट करके लोगों के खाते में पैसे गवर्नमेंट ने डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है, काफ़ी आसान शब्दों में मैंने आपको पूरा का पूरा एडिटोरियल जो है एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में, मैं तो शॉर्ट में बताने वाला था लेकिन फ्लो में थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव चला गया तो चला गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इस पर। यहाँ पर बोला जा रहा है हाउ जजेस रेस्क्यू फ्रॉम द केसेस। क्या होता है कि एक कोई पर्टिकुलर केस है, समझ लो कि हिरण जो है उसको किसी ने तो भी मार दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जो भी मैं यहाँ पर पात्र ले रहा हूँ, जो भी कैरेक्टर्स ले रहा हूँ, वो सब काल्पनिक है। अगर उनका रिजेम्बलेंस किसी जीवित या मृत से होता है तो वो केवल और केवल एक कहा जाएगा इतिहास का, ठीक है, जो भी कहा जाएगा वो कहा जाएगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए एक हिरण है, ठीक है, हिरण को किसी ने तो भी मारा, ठीक है, इसका नाम हम समझ लेते हैं, इसका नाम समझ लीजिए ए बी सी या एस है, ठीक है। मैंने फिर से कहा है कि केवल काल्पनिक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हिरण को इसने मारा है, अब इसका कोई पर्टिकुलर दोस्त है, ठीक है, जो जज है। अब क्या हो रहा है कि ये जो जज है ये अगर सुनवाई कर रहा है तो बट ऑब्वियस है कि इस पर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगेंगे, तो ये तो तुम्हारा दोस्त है तो तुम बायस हो जाओगे ये सब, तो ये क्या करेगा, खुद को उस केस से निकाल देगा कि नहीं भाई साहब मेरे को एक केस में जाना ही नहीं है, ठीक है। इसको हम कहते हैं जजेस रेस्क्यू हो रहे हैं केसेस से। अब ऐसा कई बार होता है और जजेस जो है वो कर सकते हैं। देखिए क्या है, कोई फॉर्मल इसमें ऐसा नहीं है कि ये रूल है, ये कानून है ना, कि यहाँ पर रेस्क्यू होना चाहिए, कंडीशंस में रेस्क्यू होना चाहिए, ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो अगर आपको ऐसा आए कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो कानून के तहत वो जजेस वहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं या रेस्क्यू करना पड़ेगा, हाँ, यहाँ पर जजेस जो है अपने आप को रेस्क्यू कर लेते। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जजेस जो है वो रेस्क्यू ना करें, ठीक है, ऐसा भी कभी कभार होता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बस यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, बाकी कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कंपेंसेशन फॉर कोविड डेथ। अब ये हम थोड़ा देखेंगे, मतलब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। कंपेंसेशन जो है कोविड डेथ, मतलब डिजास्टर है, डिजास्टर में किसी की मौत होती है तो उसको कंपेंसेशन पैसे देना पड़ता है, कोविड में क्यों नहीं हो रहा है ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे आगे। अब आते हैं हम यहाँ पर फार्मर्स, सो फार कुछ भी नहीं है, कुछ भी खास नहीं है फार्मर्स सो फार में, और कुछ भी हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से जाने लायक नहीं है। वही फार्म्स लॉ ये सब बहुत अच्छे तरीके की डिटेल में हमने देखा हुआ है फार्म्स लॉ के बारे में, और इसमें से कुछ नई चीज़ जो है वो भी नहीं निकल रही है, तो इसलिए ये देखने में कोई भी मतलब है नहीं। देन उसके बाद अगर हम ये देखते हैं तो डिविडेंड रिफॉर्मिस्ट, ये अगर हम देखते हैं तो ये भी कुछ खास नहीं है, ये भी ऐसा ही यहाँ पर ईरान के बारे में बेसिकली बात हो रही है, तो बिल्कुल भी हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट इस पर, लूजिंग द सॉफ्ट टच, ठीक है। अब यहाँ पर लूजिंग द सॉफ्ट टच जो है इसमें चाइना जो है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। चाइना सॉफ्ट पावर यहाँ पर में इंडिया को बीट कर रहा है, कंसिस्टेंटली यहाँ पर बीट कर रहा है इंडिया को सॉफ्ट पावर में। अब वही है, यहाँ पर जो बोल बच्चन है वही दिए हुए हैं कि इंडिया जो है उसका ऐसा हो रहा है, चाइना जो है वो इंडिया को ये कर रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, वही सारी चीज़ें बोल बच्चन जो है वो की जा रही है, जो बिल्कुल भी हमारे लिए देखने लायक नहीं है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर इन देखते हैं, इन वैक्सीन प्लान वल्नरेबल फर्स्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है, वल्नरेबल फर्स्ट, याद कीजिए हमने पहले देखा हुआ है कि जो वैक्सीन्स है उसमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, सही तरीके से जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, सही तरीके से उसका प्लानिंग होना चाहिए। वैक्सीन अगर हम किसी को भी दे देंगे, कभी भी दे देंगे तो मतलब नहीं बनेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है जिसमें से कुछ खास जो चीज़ है वो निकल कर नहीं आती है। थर्ड वेव जो है वो आने वाली है ना, थर्ड वेव के लिए हमें वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी को सही तरीके से अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है थर्ड वेव के चलते, है ना। लिमिटेड रिसोर्सेस है, इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर लोग हैं, अब 18-45 ग्रुप भी अगर हम देखते हैं तो उसमें से भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रायोरिटाइज करना, ठीक है, स्पेसिफिक प्रायोरिटाइज अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। क्या है कि जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जिनके पास स्मार्टफोन है, फटाफट अपना बुक करके ले रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो कैसे लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखें, इन इक्वालिटी यहाँ पर जा रही है कि भा तुम ऑनलाइन बुक करो और डोजेस लो, तो ऑनलाइन जिनके पास ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं है उनका क्या। तो यहाँ पर तो इन इक्वालिटी हो रही है ना कि जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है वही सिर्फ वैक्सीनेशन ले पा रहे हैं, है ना। और बहुत सारे लोगों को वैक्सीन हेजिटेंसी भी है कि बहुत सारे गाँव के लोग तो ले ही नहीं रहे हैं डर के कारण,
ये चीजें भी हमें देखने को मिले। तो इसको यहाँ पर करना बहुत जरूरी है, यहाँ पर पॉपुलेशन जो है उनके साथ बात करना, उनको कन्वे करना मैसेजेस, ये यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है, यही चीज हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज भी उन्होंने बताई हुई है जो पॉपुलेशन है उसमें। कैटेगरी ए आते हैं जिसमें यहाँ पर एंटीबॉडीज जो डेवलप हो गए हैं लोगों के अंदर, कैटेगरी बी उसमें दिए हुए हैं जो यहाँ पर अभी तक इन्फेक्ट जो है वो नहीं हुए हैं, एंड कैटेगरी सी आते हैं, है ना, मतलब जिसमें क्या है हाई रिस्क जो हमें यहाँ पर देखने, सुपर स्प्रेडर जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये मतलब जिसमें सुपर स्प्रेडर में कौन कौन आते हैं, ग्रुप सी में जो स्ट्रीट वेंडर्स है, ऑटो रिक्शा वाले हैं, है ना, वेजिटेबल वेंडर्स है, न्यूज़पेपर वेंडर्स है, जिनके थ्रू यहाँ पर बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है वायरस, मतलब जो घर में नहीं रहते हैं बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो ये यहाँ पर, तो इनमें प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए किसको यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है पहले दिया जाए, किस तरीके से दिया जाए, वही चीज़ यहाँ पर बोल बच्चन जो है वो किया जा रहा है। देन यहाँ पर टाइम एज अ पॉलिटिकल गुड, ये यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें बेसिकली कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में बात हो रही है, कस्टोडियल टॉर्चर, याद कीजिए पुलिस रिफॉर्म, जेल रिफॉर्म, उसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है, पुलिस रिफॉर्म किस तरीके से होना चाहिए, जेल में रिफॉर्म किस तरीके, ओवर क्राउडिंग, ये सारी चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी देखी हुई। कस्टडी में टॉर्चर जो होता है उसे किस तरीके से रोका जाए, क्या क्या कन्वेंशंस है ना, क्या यूएन कन्वेंशन में हमने सिग्नेटरी है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई है। तो आप समझ रहे हो, मतलब ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हुई है। द हिंदू अगर हम देखते हैं तो द हिंदू में भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लीगल ग्रैब, इसमें बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है, इसमें यहाँ पर बात हो रही है सेडिशन लॉ के बारे में। ठीक है, सेडिशन लॉ जो उसके बारे में बात हो रही है जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। सेडिशन लॉ अच्छे तरीके से देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो जो है अच्छे तरीके से देखिए। दूसरा अगर हम ये वाला देखते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन, याद कीजिए मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने देखी हुई है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसे रोकना, वो किस तरीके स्प्रेड हो रहा है, किन लोगों में फैल रहा है, पॉलिटिकल लोग जो है उनके थ्रू ज़्यादा, व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर ये वाला जो एडिटोरियल है बिल्कुल भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अगर हम देखते हैं चिल्ड्रन एंगेज, इम्पोर्टेंट नहीं है। टैकलिंग द हिंदुत्व, ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकल है। तो इस तरीके से हमें आज का न्यूज़पेपर जो है वो देखने को मिल रहा है। और बाकी अगर हम स्पेसिफिक न्यूज़ भी देखते हैं, छोटी छोटी न्यूज़ भी देखते हैं, तो वो भी कुछ खास नज़र नहीं आ रही है, कुछ ऐसी बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है वैसा भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि आज के न्यूज़पेपर में कुछ भी खास नहीं है, तो आज के दिन आपको छुट्टी है, अच्छे तरीके से बाकी GS की पढ़ाई कीजिए। बाकी अब MM Academy ऐप पर जो वीडियोज़ हैं वो अपडेट हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।